हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम एकेडमी। और आज हम 4 फरवरी के सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 फरवरी। आज ही ये विश्व कैंसर दिवस मनाया गया है। और देखिए, बात हो रही है विश्व कैंसर दिवस की, तो देखिए विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी। ठीक है, आई एम एंड आई विल। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा एयरो शो शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर। ठीक है, और देखिए इस शो का उद्घाटन किसने किया है? हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। बात हो रही है देखिए कर्नाटक की, तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के राज्यपाल वाजुभाई वाला हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुर है। ठीक है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर बना हुआ है, और कृष्णा सागर बांध कहाँ पे बना है? कावेरी नदी पर। तो ट्रिक क्या थी? अलमाटी, माटी किसने खाई थी? कृष्ण भगवान ने। और कृष्णराज मतलब का यहाँ पे है, और कावेरी का भी का है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोरोना मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। और निकोबार में भारत का सबसे दक्षिण दूरस्थ पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे पहले स्थान पर रहा है, आइसलैंड दूसरे स्थान पर रहा है, और स्वीडन तीसरे स्थान पर रहा है। और हमारा भारत इस बार 53वें नंबर पर रहा है, और लास्ट साल हमारा भारत 91वें नंबर पर था। इस साल 2 अंक नीचे गिर गया है। ठीक है, अब बात हो रही है देखिए नॉर्वे की, तो देखिए नॉर्वे की प्रधानमंत्री कौन है? अर्ना सोलबर्ग। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, और नॉर्वे की मुद्रा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अलर्ट विंग आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए.आर. रहमान। अलर्ट विंग एक एनजीओ है, इसने ए.आर. रहमान के अच्छे कार्यों के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संगीता बहादुर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माल्टा। अब बात हो रही है देखिए माल्टा की, तो देख माल्टा की प्रधानमंत्री रॉबर्ट अवेला हैं। माल्टा की राजधानी वैलेटा, और माल्टा की मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने आशियान इंडिया हैकथॉन 2021 का शुभारंभ किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। और हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। पहले इस शिक्षा मंत्रालय को MHRD के नाम से जाना जाता था। MHRD की फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। तो शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने वर्षों में पहली बार BCCI ने रणजी ट्रॉफी के आयोजन को रद्द किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 87 वर्षों में। तो बात हो रही है देखिए BCCI की, तो देखिए BCCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली, BCCI के सेक्रेटरी कौन है? जयसाई, AMSI के लड़के हैं। ठीक है, BCCI का मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई में है। और स्थापना कब हुई थी BCCI की? दिसंबर 1928 को। और फुल फॉर्म क्या है BCCI की? इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हाल ही में कौन सा देश कोलंबो टर्मिनल परियोजना से बाहर हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। और देखिए भारत के साथ में जापान भी, ठीक है, जापान भी इस परियोजना से बाहर हो गया है। 4 फरवरी के हमने सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।